Students, welcome to my channel City Commerce Concept, and today we are start a new topic of statistics. In my last video of the statistics, I have completed some few questions of statistics that were of me, less than and more than, and in individual series, continuous series. और उसी के साथ आज ही मैं कुछ वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ. बेसिकली मेन में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही पूछे जाते हैं कि या कंटिन्यूस सीरीज में पूछे जाएंगे या मिसिंग सीरीज, इनकरेक्ट वैल्यू, ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं. मैं वही कोई कुछ क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस करूंगी. इसके अलावा भी अगर आपके पास खुद के कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर वन. The first is the average height of a group of 40 students was collected as 155 cm. It was later discovered the height of one student was read as 157 instead of 137 cm. First of all, student, ये जो question है ये है incorrect mean का. ये किसका है? ये incorrect mean. ये topic है हमारा incorrect mean. Incorrect mean में जो सबसे पहले जो formula है वो formula क्या कहता है? फॉर्मूला जो है वो हमारा करेक्ट मीन इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट मीन. मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ. माइनस तो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू होगी उसको हम माइनस करेंगे और जो हमारी करेक्ट वैल्यू होगी उसको हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट. तो इनकरेक्ट मीन जो दिया है हम उसको लेंगे. अगर कोई वैल्यू जैसे हम बोलते हैं 145 तो उससे तो लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई हो, हम 45 की जगह हमने 165 सुन लिया हो, 451 हमने बोला और हमको याद आया कि हमने 541 बोला था. तो इस तरीके से क्या है कि कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है. उसमें हम मीन कैसे निकालें ये एक्चुअली उसका फॉर्मूला है कि करेक्ट मीन को हम कैसे निकालेंगे. इनकरेक्ट जो मीन हमको दिया है वो लिखेंगे, माइनस जो वैल्यू है गलत उसको हम माइनस कर देंगे और जो सही वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एवरेज हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 155 सेंटीमीटर. यानी कि एवरेज हाइट लिया गया है 40 स्टूडेंट्स का, इसका कैलकुलेशन कितना है 155 सेंटीमीटर. It was later discovered the height of one student was read as 157 instead of 137. क्या बताया गया कि ये बाद में देखा गया कि एक बच्चे की हाइट जो थी क्या कैलकुलेट हुई was read as 157 instead of 137. यानी कि 137 की जगह हमने 137 की जगह हमने उसको क्या पढ़ लिया, उसको 157 पढ़ लिया. कैलकुलेट द करेक्ट एवरेज हाइट. एवरेज हाइट हम कैसे निकालेंगे देखिए. ओके ये सबसे पहले देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं यानी कि टोटल नंबर हो गया कितना हो गया 40. ठीक है, जो जो हमें क्वेश्चंस में दिया गया है हम क्वेश्चन को हमेशा उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जो पॉइंट्स आपको नंबर्स दिए गए हो हम वो सारी चीजें मेंशन करते जाएंगे. ओके नेक्स्ट क्या दिया गया है कि वो कैलकुलेटेड एज 155 सेंटीमीटर. ओके यानी कि इनकरेक्ट मीन कितना हो गया 155 सेंटीमीटर. क्या अब बोला गया कि पहले तो हमारे पास हमको मीन पता होना चाहिए. मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन ए. अब देखिए यानी कि 155 सेंटीमीटर किसकी थी, 40 स्टूडेंट्स की थी. तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास जो जो भी गलत था लेकिन हम उसका मीन तो निकालेंगे ना. 155 सेंटीमीटर हम किसी कितने स्टूडेंट्स से 40 हमने 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 120. तो इसका आंसर आएगा 6200. क्या
मीन कैसे निकालेंगे? करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था अभी हम लोग ने पढ़ा, जो हमारा मीन है इनकरेक्ट मीन है कितना है 6200। गलत है उसको माइनस करेंगे, जो सही है उसको हम करेक्ट करेंगे। गलत क्या था हमारा, इनकरेक्ट क्या था 157 तो -157। करेक्ट वैल्यू क्या थी 137 डिवाइडेड बाय कितना था टोटल 40। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 40। तो 0 0 कैंसिल और इसको निकालेंगे 4 4 16 और ये ओके तो ये इसका आंसर कुछ आ जाएगा 154.5 सेंटीमीटर। ओके इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, जो आपको टोटल दिया होगा कि कितने स्टूडेंट्स थे, उस तरह कभी कभी पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल थे गांव में विलेज में, जो इनकरेक्ट मीन है उसको निकाल के हम क्या करेंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो इनकरेक्ट है उसको माइनस करेंगे और जो करेक्ट है उसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे नंबर ऑफ पीपल थे जो भी होगा उसको हम उसे नंबर से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 6 आइटम्स 35 एंड वैल्यूज ऑफ द 5 आइटम्स आर गिवन, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। यस मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चंस भी हर बार आपसे जो है पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस है इनमें से 100% श्योर हूं मैं कि एक क्वेश्चन जरूर 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 आता है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या बताया कि मीन ऑफ 6 सीरीज आइटम जो है उसका कितना 35 एंड वैल्यू ऑफ द 5 आइटम का दिया हुआ है और जो मिसिंग वैल्यू है इनके 6 आइटम हमको निकालना है। ठीक है तो जो मिसिंग वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि x मीन इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब इनफिनिट होता है ये x9 xn माइनस 1 प्लस xn इज डिवाइडेड बाय n। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमको दिया क्या गया, हमको मीन दिया गया है 6 आइटम्स का। आप x भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है डिवाइडेड बाय क्या होता है डिवाइडेड बाय n, यानी कि n में कितना आ जाएगा 6 क्योंकि नंबर ऑफ आइटम कितने थे 6। आई थिंक इट्स वेरी इजी, आप लोगों ने मैथ्स में इतना बेसिक तो पढ़ा ही होगा। अब हम क्या करेंगे 35 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे और ऊपर की सारी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी 35 मल्टीप्लाई बाय 6 और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75। हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि x1 यानी कि जितने भी आपको मीन दिए गए हैं उसको आप ऐड करेंगे इनफिनिट तक के कितना भी दिया हो एंड डिवाइडेड बाय n होता है यानी कि टोटल नंबर आपसे आपको एवरेज निकाल रहे हो किसी भी चीज का तो टोटल नंबर लोगे। मीन आपको गिवन है, अगर आपको मीन नहीं गिवन होता तब भी इजी हो जाता, अगर आपको n नहीं दिया है तब भी इजी हो जाता यानी कि आप 6 आइटम भी इजीली निकाल लोगे। हमने क्या किया मीन हमको गिवन था 35 हमने मल्टीप्लाई किया 6 से और हमने बाकी के वैल्यू को क्या किया ऐड किया और हमने 6 आइटम कैलकुलेट किया। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 41
मार्क्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, इसमें देखिए मिसिंग आइटम निकाल, आई थिंक बहुत इजी हो जाएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन उस तरह के किए हुए हैं, ये कंटिन्यूस सीरीज में है, तो कैसा होगा उसमें आपको मार्क्स यानी कि एक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो हम इसको एक्स और इसको एफ मान सकते हैं। एक्स और एफ हमने माना, तो हमने क्या किया, एक्स लिखा और एफ लिखा। एक्स कितना दिया है हमने लिख लिया 20, 30, 40, 50, sorry, x and then 60 and then 70। okay, फ्रीक्वेंसी बोली थी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, 12, 20 and 6, 4। okay, आई थिंक इट्स वेरी इजी। अब हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स कितना होगा 160, 360, 800, 10x, 360 और लास्ट में क्या था 280। ठीक है, हमने ये किया। अब हम इसमें देखिए बच्चे क्या करते हैं कि सबको ऐड कर देते हैं, प्लस एक्स करते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो एक्स का वेरिएबल है उसको हम अलग से काउंट करेंगे, अलग से मतलब ये तीन ये दो इन दो लोगों को ऐड करेंगे, यानी कि कितना हुआ हमारा 1960 प्लस 10x। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे और उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो कितना 6 4 10 8 20 20 40 40 और ये हो गया 50 60। हमने जो एफ एक्स निकाला वो कितना था 1960 प्लस 10x। मीन कैसे निकालते हैं, मीन आप लोग निकालना आता होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो मीन कितना दिया था आपको 41 दिया हुआ है, ये गिवन है हमको, देखिए। ठीक है, तो 41 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स कितना है 1960 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 41 को, वही जो अभी हम लोगों ने मिसिंग वैल्यू में किया है कि 41 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल्स टू 1960 प्लस 10x, तो ये कितना रहेगा 6 6 24 0 1960 प्लस 10x, तो 10 ए वेरिएबल को एक तरफ लिख लेंगे और ये हो जाएगा 500 और x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50। द मिसिंग आइटम इज 50। ठीक है, आई थिंक आपको कैलकुलेशन में समझ आई होगी कि मैंने डायरेक्टली कैसे किया है, 10x को हमने साइड में कर दिया है और 2460 को अगर 1960 से माइनस करेंगे 500 आएगा। कैलकुलेशन इजी थी इसलिए मैंने उसको एक स्टेप नहीं लिखा, 1 2 4 6 0 - 1 9 6 0 और उसको हम डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। हमारा जो मिसिंग आइटम है वो कितना हो गया 50। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट में क्या दिया गया है आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्कर्स कोरिस्पोंडिंग टू द क्लास इंटरवल दैट इज 20 to 30 ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वेजेस आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आई थिंक बहुत इजी है। वेज रेट आपको 28 दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, देखिए वेज दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है तो अभी हम क्या निकाल सकते हैं, मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आप मिड वैल्यू निकाल देंगे, मिड वैल्यू क्या आएगी 5, 25, 35, 45 and 55। F A और M है तो क्या हो जाएगा, F M निकल आएगा, कितना होगा 25 is 60, 18 15 is 70। ये बार कैलकुलेट कर लीजिएगा ये इनके इसको मिस्टेक हो तो। ओके, नेक्स्ट आएगा 25 F, 35 to 70, 55 17 is
765 के, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, लास्ट में कितना था हमारा बिट वैल्यू कितनी थी, 55 330। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे और हम निकालेंगे अपना के। हमको फ्रीक्वेंसी दी गई थी और हमने बिट वैल्यू निकाला था, तो हमने एफएम निकाला, क्या जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 16, ये हो जाएगा 73 + F, ठीक है, इसे समझा रही हूँ आपको। हमको कंटिन्यू सीरीज में दिया गया था 0 to 10, 10 to 20, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए थे यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई थी, दिया गया था, हमने हमेशा पढ़ा है कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, हमने मिड वैल्यू निकाल ली, मिड वैल्यू से हमने क्या किया एफएम को मल्टीप्लाई किया और हमने जो है उसकी पूरी इक्वेशन निकाल ली, ये हमारा 25F है। उसके बाद हम एफएम को पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद इसको मैं बता देती हूँ कितना आएगा, 330 और ये हो जाएगा 1,000 2,2 5 5। ओके, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 2,125 + 25F, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो कितना है 73 + F। अब इसमें देखिए मीन आपको दिया हुआ है 28, ठीक है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, आई थिंक इट्स वेरी इजी, सिग्मा एफ एम क्या लिखेंगे 2,125 + 25F डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ दिया हुआ है 73 + F, और फिर वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये बहुत इजी हो गया होगा आप लोग के लिए। मैं इक्वेशन बना देती हूँ, 28 हमको मीन दिया हो गया था इज इक्वल्स टू 2,125 + 25F डिवाइडेड बाय 73 + F। अब आप क्या करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसको मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, और इसका आंसर आप जो भी आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग मी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करूंगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।